नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कंझावला थाना स्थित सावदा कॉलोनी वासियों ने किया नशे के खिलाफ नरेला घेवरा रोड जाम। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दो दिनों में हुई दो हत्याओं के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया और स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिस कारण स्थानीय लोगों ने नरेला घेवरा रोड जाम कर दिया, जिस कारण घंटों यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह आए दिन बढ़ते अपराध से तंग आ गए हैं। बीते कुछ दिनों से आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, साथ ही बीते दो दिनों में दो हत्याएं और हो गई, जिस कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि इन सब अपराध के पीछे स्मैक का खुला कारोबार ही जिम्मेदार है। स्मैक के कारोबारी खुले आम स्मैक बेच रहे हैं, जिसका जिम्मेवार थाना कंझावला के अधिकारी है। प्रदर्शनकारियों ने थाना कंझावला के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की व उनके तबादले की मांग की। मौके पर थाना कंझावला के SHO ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन वह विफल रहे, जिसके बाद SCP ने पहुंचकर मौके पर प्रदर्शनकारियों से उनकी बात को सुना व ज्ञापन लेकर कार्रवाई जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर चले गए। क्राइम रिपोर्टर शानू खान। क्या है रोड जाम किया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे को? सर, रोड जाम इसलिए कि हमने कि बाहरी दिल्ली सावदा जेजे कॉलोनी हमारा है और थाना कंझावला पड़ता है। यहाँ पिछले तीन दिनों से दो मर्डर हो चुके हैं और इनका मेन कारण जो स्मैक है, स्मैक ने इस कॉलोनी में इस तरह से अपने पैर पसारे हैं कि पूरे युवा जनरेशन लगभग 80% इसमें सम्मिलित है। उस चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पर कंझावला थाने के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। मेन बवाना रोड को जाम किया है क्योंकि यहाँ जो मेन कारण है वो स्मैक है। स्मैक से ही ये दो हत्याएं को जोड़ा जा रहा है, उनके कारण ये हुआ है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से स्मैकों को यहाँ बंद किया जाए क्योंकि ये पीढ़ियों को खत्म कर रही है। आज जो आपने ये हाईवे जाम किया है, आपको क्या लगता है ये कार्य करना उचित था आपके लिए? हमें तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं थाना कंझावला के SHO साहब, SCP साहब, DCP साहब जो भी है, हमारी बातों को सुने, जनताओं की बात को सुने और इनको समझे कि इनके साथ क्या हो रहा है। क्या रोज हत्याएं होती रहेगी या पुलिस कभी जागेगी? अगर जागेगी तो कब जागेगी? क्या पुलिस सोएगी केवल? तो आपको क्या लगता है इन सारी हत्याओं के पीछे पुलिस जिम्मेदार है? अगर नशा पुलिस बिकवा रही है, अगर नशा बस्ती में कोई भी बिक रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को क्या नहीं पता होता है कि किस जगह में क्या हो रहा है? आखिर कुछ ना कुछ मिली भगत से ही स्मैक, सट्टे, जुए, दारू कौन करा रहा है? कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? अभी प्रशासन से ये चाहते हैं सबसे पहले हमारे बस्ती में से नशा स्मैक को खत्म किया जाए, जो कि आसपास के गांव को भी लपेट रही है युवाओं को। जो स्मैक वो नशा है जो इनकी पीढ़ियों को खत्म कर रही है, उनके जनरेशनों को खत्म कर रही है। वो सारे युवा आज स्मैक के लत में लग गए हैं। बाहर बाहर से लोग आके स्मैक लेके जाते हैं यहाँ पर, उसमें कब प्रतिबंध लगेगा, कब जागेगी प्रशासन? क्या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर आज जो आपने प्रोटेस्ट किया है इसके बाद भी अगर प्रशासन अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम यहाँ से DCP ऑफिस जाएंगे प्रदर्शन करने, थाना कंझावला का भी घेराव कर सकते हैं, नहीं तो जंतर मंतर भी हम लोग यहाँ से पूरी गाड़ियों को भरकर प्रोटेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि पीढ़ियों को बचाना है। क्योंकि पीढ़ी इसमें पीढ़ियों को खत्म कर रही है, नस्लों को खत्म कर रही है, पूरे बस्ती के युवाओं को खराब करके रख दिया है, जिस कारण आप कॉलोनी में घूम के देखो एक भी आपको सरकारी महकमे के बने हुए मकान उसमें लगे हुए लोहे के एंगल नहीं मिलेंगे, क्योंकि चोरों ने नशा के चक्कर में सबको बेच रखा है और सबको नशा बढ़ता ही जा रहा है। उनके एक ग्रुप बाय ग्रुप ये बढ़ते ही जा रहे हैं कि ही प्रतिबंध नहीं है। हाँ, मैं एक थाना कंझावला के जो जनरल सिंह SHO साहब थे, इससे पहले उनकी प्रशासन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने ऑन ड्यूटी में एक भी गलत काम को बस्ती के अंदर होने नहीं दिया। और हम लोग ये चाहते हैं कि SHO जनरल सिंह को बुलाया जाए हमारी बस्ती में, ताकि पूरे क्षेत्र को सही कर। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24x7।